ये मुंबई का तेरे बाप की है? नहीं रे, तेरे बाप की है। तेरा बाप मैं हूं, आई एम बैड, आई एम योर डैड, रॉकी सिंस 1951। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स। वेल मेरा भाई, कुछ फिल्में होती हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कन्नड़ मूवीज देखी है, चाहे वो खड़े रह के देखना हो या फिर क्राउड के बीच में इस तरह के दब दबा के देखना हो कि सांस भी ना ले पाऊं मैं। लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस रहा है KGF का, बहुत लोगों की आंखों से आंसू आए थिएटर में, क्योंकि वी कुड नॉट हैव इमेजिन कन्नड़ सिनेमा। यस मेरा भाई, कभी जिंदगी में किसी भी लोगों ने ये इमेजिन नहीं किया था कि कन्नड़ मूवी इतना बेहतरीन दृश्य हमको स्क्रीन पर दिखाएगी। क्योंकि गाइस, सेकेंड हाफ के बाद रॉकी भाई जब कोलार गोल्ड फील्ड जाता है और जिस तरह का सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, आर्टवर्क, सिनेमाटोग्राफी और जिस तरह का इमोशंस ये बंदा वहां जाके, स्लेवरी, स्लेवरी इज नेवर एक्सप्लोर्ड इन इंडियन सिनेमा। इस हद तक का स्लेवरी दिखाया गया है वहां पे। मजदूरों को ना खाना देना है, उनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में जंजीर बांध के रखना। और वहां एक मसीहा आता है जिसका नाम है रॉकी। जिस तरह से यश के क्लोजअप्स लिए गए हैं, उनका स्लो मोशन वॉक, उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस, द फुल फिल्म बिलोंग्स टू नन अदर देन रॉकिंग स्टार यश। ट्रस्ट मी मेरा भाई, इंडिया को आज एक नया हीरो मिला है। बैंगलोर में टिकट्स है ही नहीं, इट इज सोल्ड टू कैपेसिटी। मैं हमेशा कभी भी कन्नड़ फिल्म रिलीज होती तो मैं काउंटर पे जाके टिकट खरीदता था, और मुझको तक टिकट नहीं मिली है। मैंने आज KGF ब्लैक में देखा हूं, सेकेंड रो कोने में बैठ के ऐसा देखा हूं मैंने फिल्म। दिस वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो क्या है गाइज KGF, चलिए एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू रहेगा, इसका फुल स्पॉइलर रिव्यू मैं आपको मंडे को लाके दूंगा। क्योंकि जितनी बड़ी फिल्म है, चाहे वो संजू हो, रेस 3 हो या फिर 2.0 हो, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर हो, मैं उनके रिव्यूज, स्पॉइलर रिव्यूज यूजुअली 2-3 पार्ट्स में बनाता हूं, तो मैं 3 दिन के बाद ही आपको लाके दूंगा। KGF कहानी है रॉकी भाई की। वेल फ्रेंड्स, यश ने जिस तरह से यहां पर अपने आप को मोल्ड किया है, उसके 3 शेड्स दिखाए जाते हैं। एक वो रॉकी जिसके हाथ में अभी मुंबई की कमान नहीं आई है, दूसरा रॉकी जिसके हाथ में अब बैंगलोर के माफिया की कमान आ चुकी है, और तीसरा रॉकी जो KGF में जाकर अपने स्वार्थ के लिए जाता है। और भाई, क्लाइमैक्स जिस तरह से प्रशांत नील ने बनाया है, इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नो CG, नो VFX, लाइव जूनियर आर्टिस्ट, लाइव शॉट्स। जितना भी आप देखोगे कोलार गोल्ड फील्ड्स के दृश्य जो दिखाए गए हैं, सब के सब 100% ओरिजिनल है, कोई VFX नहीं मेरा भाई। और जो क्लाइमैक्स है, जो मकसद पूरा करने के लिए रॉकी वहां पर गया है गरुड़ा को हासिल करने के लिए, एक्सेलेंट, माय गॉड। और जिस पॉइंट पर प्रशांत नील इस फिल्म को छोड़कर चला जाता है, मेरे को तो मन किया, ओ मैन, काश मैं पार्ट 2 के लिए बैठ पाता, आगे क्या होगा। वो जो मोमेंट है जहां पर ये फिल्म रुक जाती है और पार्ट 2, ये तो बोलो अनंत नाग, अब वेटरन एक्टर ऑफ कन्नड़ सिनेमा, बोलते हैं ये तो बस शुरुआत थी। पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। वेल फ्रेंड्स, मैंने ये फिल्म हिंदी में देख ली सुबह से, मैंने ये फिल्म कन्नड़ में भी देखी, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, जो इम्पैक्ट ये फिल्म हिंदी में छोड़ती है ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ कन्नड़ा है। इन लोगों ने इतने अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं हिंदी में। मैं रोबो 2.0 भी सुबह का शो तमिल में देखा था, उसके बाद जो अगला शो था वो हिंदी में देखकर आपको शाम को रिव्यू लाके दिया था। वेल फ्रेंड्स, द हिंदी वर्जन डायलॉग्स आर नॉट एट ऑल शैबी रिटन। आप जो सेट मैक्स पे, जी सिनेमा पे जो पिक्चरों की डबिंग देखते हो, उससे बहुत गुना अच्छी है। बेहतरीन डायलॉग्स लिखे गए इस फिल्म के लिए, जोशीले डायलॉग्स लिखे गए हैं। वो तो खुदा का बंदा है, खुदा जिसको नवाजता है उसका कौन कुछ कर पाता है। क्यों साहब, मेरा भाषण सुनते सुनते तुम्हारी चाय ठंडी हो गई। फैंटास्टिक गाइस। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है रॉकी भाई की बचपने की। प्रशांत नील ने यहाँ पर 2 ट्रैक्स साइमल्टेनियसली चलाए हैं, एक ट्रैक यश का और उसकी माँ का। I mean, यश जब वो डायलॉग कहता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है,
पीपल वेंट क्रेजी इन द थिएटर्स मैन, सीरियसली बोल रहा हूं। और जिस तरह से उसकी माँ उसको जन्म देती है, उसको ये वादा देती है कि गरीबी एक श्राप है, मैं जानती हूं तू जिएगा गरीब, लेकिन जब तू मरेगा तू इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के मरेगा। एक माँ और बेटे का रिश्ता, जिस तरह से यश अपने अब मुंबई की जिंदगी में याद करता है, चाहे वो बारिश में उसके ऊपर छींटे पड़ना हो, उसका माँ का उसको आके बचाना हो, उसको छोटी छोटी चीजों के लिए मदद करना हो, उन माँ की सीख हर एक चीज को यश याद रखता है थ्रू आउट द फिल्म। द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, द सीन ऑफ द फिल्म इज द एंट्री ऑफ यश, खून में लखपत, उसके हाथ बंधे हुए हैं, पूरा जो शेट्टी गैंग है मुंबई का जो इसके अगेंस्ट है, ऑब्वियसली शेट्टी गैंग के लिए यश काम करता है, तो दूसरा गैंग है जो यश के अगेंस्ट है वो उसको मारने के लिए आता है और बोलता है ए आज मेरा बर्थडे है, वो कसाई को लेके आता है, क्या देगा इसके बदन का, बोलते मेरे को इसका हाथ चाहिए, मेरे को इसका पैर चाहिए, बोलता है ए मेरे को इसका दिल काट के दिखा, यश बोलता हैप्पी बर्थडे, क्या सोच के आए थे, मैं तूफान हूं, तूफान को लटकाते नहीं, उसे खोल दिया जाता है और वो क्या मारता है, ओ मैन द एक्शन टॉप नॉच। और वहां से गाइस किस तरह से यश रॉकी भाई जो मुंबई में रहता है और वहां पर उस शेट्टी के अंडर काम करता है, लेकिन इन सब का एक और बाप रहता है, एक बड़े दाढ़ी वाला विलन है, विलन इस फिल्म में धमाकेदार है, उनके बाल उनके कपड़े स्मैशिंग, उसको एक काम के लिए वो बैंगलोर को लेके जाते हैं और बैंगलोर में किस तरह से उसका प्यार श्रीनिधि शेट्टी से होता है जो भी एक डॉन की बेटी है, और वहां पर किस तरह से यश अपना यू नो वर्चस्व लहराता है बैंगलोर में जाके, और क्या कारण है जिसके वजह से वो सारी शानो शौकत ये सब पैसा और दुनिया पाने के लिए जो काम वो बैंगलोर में कर सकता था लेकिन उसे वो नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था पावर, और वो पावर लेने के लिए वो केजीएफ में गया। केजीएफ के विजुअल्स विल ब्लो योर माइंड अवे, मैड मैक्स बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, फिल्म जाके देखो तब पता चलेगा, मैड मैक्स फ्यूरी की याद आती है, वही वो एम्पायर, वही म्यूजिक, वही बाइक चेजेस, वही डेजर्ट टाइप सीक्वेंसेस, वही स्लेवरी, वही राजपाट, वही यू नो बादशाहत और वही गुलामी, और क्या फिल्म का जो क्लाइमैक्स, उसमें तो यश ने लिटरली बोला होना चीर दिया है। ऑल इन ऑल इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर कन्नड़ा सिनेमा, इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा। अगर गाइज आप फ्री है इस हफ्ते और आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है जरूर जाके देखिए, दिस एफर्ट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। वेल फ्रेंड्स आते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट पे, फिल्म की प्लस पॉइंट है इसकी कहानी, जिस तरह से कहानी को वेरियस मल्टीपल एंगल्स में स्क्रीन प्ले और नरेटिव में एक यू नो एक रिबन की तरह बनाया गया है जो कि झुलसते जाती है, झुलसते जा रही है, वो बहुत दिलचस्प लगता है। फर्स्ट हाफ इस फिल्म को ऑब्वियसली रॉकी भाई को एस्टैब्लिश करने में, उसकी ताकत दिखाने में बीत जाता है, सेकेंड हाफ में बहुत सारी फिल्में मार खा जाती है, लेकिन यहां पर इस फिल्म का सेकेंड हाफ बहुत ही तगड़ा है। यू नो सेकेंड पार्ट यू नो को इनहांस करने के लिए इसके सेकेंड पार्ट को, सेकेंड हाफ को यू नो इंटरवल के बाद के हाफ को काफी ग्रिपिंग बनाया था कि जब चैप्टर टू में जाओ तब आप एक बेस के साथ जाओ वहां पर। तीसरा इस फिल्म का म्यूजिक, ओ नीवरा शूरावा असुरा आ धर्मोस, ओ हथौड़ा लेके जो मारता है विलन को, थर्ड थर्ड पूरा थिएटर विसिल, सीटियां तालियां। और चौथा गाइस इस फिल्म का आर्ट डायरेक्शन, माय गुडनेस गाइस, सबसे एक डिसअपॉइंटिंग बात है, अगर आप हिंदी में फिल्म देखने जाओगे तभी आपको गली गली में फिरता है वो गाना देखने मिलेगा, लेकिन अगर आप ये फिल्म कन्नड़ा में देख रहे हो तो कन्नड़ा में आपको यहां पर तमन्ना का गाना देखने के लिए मिलेगा जो भी काफी फैंटास्टिक है। ऑल इन ऑल केजीएफ इज अ स्टेलर फिल्म। का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा एक्शन है, एक्सेस एक्शन है, जिन लोगों को मार धाड़ पसंद नहीं है उन लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी फॉर इट्स स्टोरी, फॉर इट्स इमोशन एंड फॉर इट्स ग्रिपिंग कंटेंट, लेकिन जो लोग हर सीन में मारामारी नहीं देख सकते उनके लिए ये फिल्म नहीं बनी है, इसीलिए मैं उसको आधा स्टार कम दूंगा। ऑल इन ऑल ये एक एक्शन एडवेंचर है, अब एक्शन एडवेंचर में आप लोग यू नो क्या बोलते हैं ड्रामा इमोशनल मूवी देखने जा नहीं रहे हो, एक्शन मूवी में एक्शन ही देखने मिलेगा, दैट्स द जॉनर ऑफ दिस फिल्म। आई गिव केजीएफ 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। सो गाइस एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्पॉइलर रिव्यू बहुत मजा आने वाला है, मंडे को इंतजार कीजिएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान दुनिया, लड़ाई में पहले कौन मारता है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है
कि मुझे पहले किसने गिराया, दुनिया।